अरे अम्मा, मैं नीचे आई रही थी, आप क्यों आ गई ऊपर? क्या हुआ है? शोहर तुझे नजरअंदाज करके चला गया, तो कितनी मुतमईन होके मेकअप कर रही है? जबरदस्ती के रिश्ते ऐसे ही होते हैं अम्मी, ना वो मुझे अपने दिलो दिमाग से कबूल कर पा रहे हैं और ना ही मैं। हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ? जो भी है, ये किताबी बातें छोड़ो, अब तुम दोनों मियां बीवी हो। अरे बेवकूफ, औरत का खूंटा उसका मर्द होता है। हजार घर वाले अच्छे से, लेकिन अगर खूंटा कमजोर है ना, तो औरत कभी कदम नहीं जमा सकती। अम्मा कहना क्या चाह रही हो? मुझे तो तुझसे बड़ी उम्मीदें थी कि जाते ही ससुराल में अपने शोहर को काबू में कर लेगी। तू तो बहुत ही बेवकूफ निकली। कैसे समझाऊं आपको अम्मा, उनका दिल सारा की मोहब्बत से भरा हुआ है, मैं तो शायद उन्हें कहीं नजर भी नहीं आऊंगी। तो तू सारी उम्र इस चीज का इंतजार करेगी कि कब उसका दिल सारा की मोहब्बत से खाली हो और तुम उसके दिल में अपनी जगह बना सको? अरे बेवकूफ, उसके दिल को यूं मुट्ठी में करो कि उसे सारा नहीं सिर्फ तुम दिखाई दो। ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अम्मा, वो सिर्फ सारा से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते थे, तुम्हारे आने के बाद नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब फवाद पे, उसकी मोहब्बत पे और इस सारी दौलत पे सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम उसकी बीवी हो, भाग के नहीं आई, निकाह पढ़वा के आई हो, 5 लाख हक मेहर के बस। सारा ने बहुत ऐश कर ली, अब तुम्हारी बारी है। अरे उस पे अपना हक जतला, अगर अभी से अपना हक छोड़ दिया ना, तो सारी उम्र पछताओगी।